आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं केएलजे सोसाइटी में, वहां पर आप देखेंगे सामने महिलाएं खड़ी हुई है। आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे पर क्या कुछ खास हो रहा है आप देखें कि देखिए, एक छोटी बेटी है, उसको पेन दे करके सम्मानित किया जा रहा है, उत्साहवर्धन किया जा रहा है, जिससे कि प्रोत्साहन मिले बच्चों को आगे बढ़ने में। और मदर्स डे स्पेशल है, तो उनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार मदर्स डे क्यों मनाया जाता है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर। माँ एक ऐसी चीज है जिसको हम शब्दों में तो व्यक्त कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसा भाव है जिसको सोच के ना बस आंसू निकल आते हैं। चाहे हम सभी हैं, हम सभी माएं हैं, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो देखो एक नन्नू सा बच्चा। हैप्पी मदर्स डे बच्चा। फर्स्ट टीचर इज अ मदर। फर्स्ट टीचर मदर होती है, उसकी फीलिंग्स हम कोई भी नहीं बयां कर सकते, कैसे होती है, क्या होती है। जो मदर होती है वही फील कर सकते हैं कि मदर क्या। कोई ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, जो अपनी माँ के ऊपर कोई उदाहरण दे सके, उनकी माता ने उनके लिए क्या कुछ खास किया, एक अलग से उदाहरण के तौर पर। तो सैक्रिफाइस सब कभी भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि सभी माएं अपने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकती हैं। मतलब ऐसा कोई क्षण, देखिए मेरा मतलब ये है कहने का कि कोई ऐसा क्षण बताएं जब आपको लगा हो कि सच में ही माँ ना हो तो ऐसा हो जाता है। ऐसा सभी की जिंदगी में ऐसा अक्सर होता है। जो भी हम खड़े हैं, जो बने हैं, वो हमारी माँ की सेक्रीफाइस की वजह से बने। शायद से हमने भी इतने सेक्रीफाइस नहीं किए जितने हमारी मदरों ने किए हैं। हमारे काम किया, पढ़े लिखे होने के बाद भी हमें बोला कि पढ़ो, तो बहुत बड़ी। तो माँ क्या है, माँ को अगर माँ को कुछ शब्दों में जानना चाहे तो कोई बता सकता है? आप लोग टीचर हैं क्या? टीचर कौन कौन है? आप हैं तो आप बता सकते हैं। आप आए, जो बताना चाहे वो आ गया। माँ इस सृष्टि को बनाने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है। माँ नहीं है तो सृष्टि नहीं है मेरे हिसाब से। कहते हैं कि भगवान ने हर जगह ना हो कि ना अब माँ को भेजा था कि मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए हर इंसान की जिंदगी में, हर बच्चे के लिए, हर एक जंतु की जिंदगी में ना एक माँ एक ऐसी चीज है जो भगवान की मूर्ति को। आप मदर्स डे पर भावुक होती दिखाई दे रही है, कारण क्या है? देखिए भाई, कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है, सिर्फ ये है कि हाँ जी बताएं आप। देखिए यही क्षण है जो हम किसी को याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, इसीलिए एक विशेष दिन बनाया जाता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो हम अपनी फीलिंग्स को शब्दों के माध्यम से सामने ला सकते हैं और बता भी सकते हैं, जिससे कि अन्य उन लोगों को एक संदेश मिले जो कहीं ना कहीं इस बात से अनभिज्ञ रह जाते हैं या कारण, या बहुत लोगों की, देखिए मैं उन शब्दों को नहीं कह सकता, बहुत लोगों की माँ भी नहीं है इस दुनिया, मेरी भी नहीं है समय, लेकिन उन शब्दों को आप अपने माध्यम से बताएं तो बहुत अच्छा लगे। कोई ये मैंने जैसे सब पहली बार में कहा था कि ये तो शब्द जो है ना वो भाव है, ये शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत से आपने सही कहा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी माए नहीं है, शायद उनको फील करके भी ऐसा लगता है कि हाँ वो बच्चे कैसे जीते होंगे, जिनके पास सुनने के लिए, सोचने के लिए, बिल्कुल बताने के लिए कि जिंदगी क्या है, क्योंकि माँ से ही जिंदगी है। अगर माँ नहीं है ना तो दुनिया में जिंदगी नहीं। चलिए आप सीधे तौर पर केएलजे सोसाइटी से लाइव तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ पर सभी महिलाएं, देखिए छोटे छोटे बच्चे और इनकी बेटियां भी हैं। भावुक होती महिलाएं इसलिए ज्यादा भावुक हो गई क्योंकि खुद स्वयं भी एक माँ है और उनकी माँ अपनी माँ को आज याद करें एक विशेष दिन पर, तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए एक बड़ा दिन है जी। और कोई कुछ खास कहना चाहे? संदेश है जी, माँ के बिना बच्चा अधूरा और बच्चे के बिना माँ अधूरी, जिसके जीवन में बच्चा है वो पूर्ण हो जाती है हमेशा। आप सभी के भाव को हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि माँ की ममता के मामले में अगर बोला जाए तो समुद्र के पानी को शाही समझ कर जमीन पर रखा जाए तो मुझे लगता है कि पानी भी ऊपर जाएगा। सही बात। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।